साइन 2a क्या होता है, कोस 2a क्या होता है, टेन 2a क्या होता है, मेरे को आप इतनी सी बात बता दीजिए क्या कि साइन 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन ए प्लस ए। सर साइन ए प्लस ए लिखते ही तो हम आपको बता देंगे, है ना, हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे कि सर ये होता है साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। हाँ बता दिया ना, आ गए अपनी औकात पे, इसको आराम से लिख दीजिएगा टू साइन ए कोस ए। समझने वाली और समझाने वाली बातें भी मैं करूँगा, मेरे को समझ में आ रहा है लेकिन आपको किस तरीके से समझाना है वो मैं करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा ये देखिएगा, मेरे को इतना बता दीजिएगा कि आप कोस 2a को a प्लस ए लिखोगे तो क्या सोल्व करके लिखोगे इसको, जल्दी से अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिएगा, जल्दी से अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएगा, कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए माइनस साइन साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, हो गए हैं सभी का, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए माइनस, बोलो ना भाई, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ यहाँ थोड़ा सा साइन वाले में एक बात और देखिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके साथ एक बात और इम्पोर्टेंट है सर, वो कौन सी बात है, दुनिया वाले इसको इस तरीके से भी देखते हैं, दुनिया वाले इसको इस तरीके से भी देखते हैं, कौन सा तरीका है, साइन टू ए को वो देखते हैं टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दुनिया वालों की नज़रों में है, इसका प्रूफ कर लेंगे हम, डरने की ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ों का प्रूफ मिलेगा आपको। अब आप तो ऐसे बताइए क्या कि दुनिया वाले इसको किस किस तरीके से देखते हैं, सोचने समझने वाली बातें भी की जाएगी, याद रखने का तरीका भी बताया जाएगा, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है, बार बार इसको पढ़ पढ़ के क्वेश्चन से लगा लगा के सारे फॉर्मूले हम याद कर लेंगे, टाइम वो आ गया है कि सारे फॉर्मूले आप पेज पे लिखो और याद करते रहो, दीवारों पे मत लगाना भाई, है ना, याद करते रहो, दीवार खराब मत करनी है, हॉस्टल में हो तो हॉस्टल की दीवारें खराब नहीं करनी है भाई आपको, लेकिन पेज जरूर खराब करनी है आपको, याद करो, लिख लिख के याद करो। समझाने की ट्रिक बताऊंगा एक बार, थोड़ा सा समझ लिया गया, हाँ समझ लीजिए, याद किस तरीके से किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा हम चेंज करें, अगर मैं इसकी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो कोई बुराई थोड़े ना, तो ये फॉर्मूला आपको नज़र आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, या फिर मैं इसकी जगह लिख दूँ वन माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला हमें क्या नज़र आएगा, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। और सर टेन के बारे में बात कर ले, ये सारे फॉर्मूले कोस टू ए के ही है भाई, कोस टू ए के है, कोस टू ए का और फॉर्मूला आएगा, ये टेन के पदों में सर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, संभाल के रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, टेन टू ए क्या होता है सर, ये बेटा साइन बाई कोस ही होता है, साइन बाई कोस ही होता है, लेकिन सर इसको किस तरीके से सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करेंगे हम साइन ए प्लस ए,
तो हो जाएगा आपका, सॉरी टेन ए प्लस ए तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी वन अपॉन टेन ए टेन ए। तो फॉर्मूला बना है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। हाँ जी, ये फॉर्मूला आपका बना है टेन टू ए का, ये फॉर्मूला बना है आपका टेन टू ए का, ये फॉर्मूला बना है आपका टेन टू ए का, करे। अब याद रखिएगा सारी चीजें, एक एक चीजें किस तरीके से सोचे। हाँ एक बार उतार लीजिएगा, कोई बात नहीं, उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा बेटा, उतार लीजिएगा। हाँ जी जल्दी उतारिएगा। किसी का प्रूफ भी चाहिए तो बता देना इसका। चलो इसको 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 देख लो इसको। सर ये कैसे हुआ, ये देख, तू इसको लिख सकता है टू साइन ए बाई कोस ए, और ये तेरे को नीचे नजर आ रहे हैं कोस स्क्वायर ए। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? कोस स्क्वायर नहीं बेटा, सेक स्क्वायर। बोल क्या बोलो सर, सेक स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। जब तू इसको सोल्व करेगा तो ये नजर आएगा टू साइन ए बाई कोस ए, और ये ऊपर जा तो सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन अगर मेरे पास साइन फोर ए हुआ, साइन फोर ए हुआ, उस दिन मैं लिख सकता हूँ टू साइन टू ए कोस टू ए। हाँ सर, और जिस दिन मेरे पास एंगल साइन ए हुआ
और मेरे को ज़रूरी पड़ी हाफ एंगल की, तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, टू तो लगाओ, साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। हाँ हाफ एंगल बोला जाता है इसको। कोई दिक्कत? क्या हमने सोचा है इसको बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है। हाँ जी, क्या सर अगर हमारे पास साइन ए बाई टू है और इसका भी हाफ करना चाहिए तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। ए बाई फोर कर दे, ए बाई फोर कर दे। तो सर आगे की बातें, कोस की बातें, कोस की बातें यहाँ देखो, दो नंबर की बात है कोस टू ए की, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हर जगह काम आएगा, आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा भाई। हाँ देखो इसका फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हैं इसका, इसका है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, टू टेन में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। हाँ जी, ये सारे फॉर्मूले आपके कोस टू ए के हैं, कोस टू ए के हैं। हाँ ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं, कोस टू ए के हैं। तो सर याद और किस तरीके से रखा जाए, ये भी बेटा हाफ एंगल में चेंज हुआ है, ये भी हाफ एंगल में चेंज हुआ है, ये भी हाफ एंगल, यहाँ टू ए है तो टू ए का आधा है, टू ए का आधा, यहाँ भी आधा ही है, यहाँ भी आधा ही है। हाँ बेटा यहाँ भी आधा ही है, टू ए है, यहाँ ए आ गया टू ए है, ए आ गया टू ए है, ए आ गया, ए आ गया। इसका इन सारे फॉर्मूले का यूज़ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे, लेकिन एक बात और नज़र दोहराइएगा थोड़ी सी। हाँ वो बात ये है, वो बात यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस कोस टू ए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ टू कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हाँ वन प्लस कोस टू ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें है ये। जिंदगी में इन चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत आगे तक हम मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा बड़ा बड़ा काम को छोटे छोटे तरीके से सोल्व कर देगा। हम जब
आपका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सब में ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टेन की बात कर ली जाती है तो टेन में भी इस तरीके से कर सकते हैं हम। हाँ, साइन के जितने भी फॉर्मूले, कोस टू ए के जितने भी फॉर्मूले, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ बात चल ही गई है तो एक चीज़ और बताता हूँ कि सर कोस टू ए का लिख लिया, लेकिन कोस फोर ए का आ जाए तो फोर ए को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टू ए माइनस साइन स्क्वायर टू ए। सर जिस दिन हमें कोस के एंगल को हाफ करना पड़े कोस ए को ही, तो क्या करेंगे, तो बेटा इसको कर देंगे कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। समझ में आ गया सर? अगर सर यही हाफ एंगल हमें टेन में ज़रूरी पड़ी तो कोस ए की, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। हाँ जी, हाँ जी सर, बातें समझ में आई हैं सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। टेन वाली में कोई बड़ी वाली बात नहीं है, टेन वाली वही बात है। हाँ, टेन की यही बात है, टेन का फॉर्मूला यही है, यहाँ देख लीजिएगा। टेन की बात भी करते हैं तो टेन टू ए क्या होता है, टेन टू ए तो होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। हाँ जी सर, अगर इसमें एंगल हाफ करने की बात आ जाए तो ये हो गया टेन ए आपका, ये हो गया टू टेन ए, टेन ए बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। हाँ जी, यहाँ भी एंगल हमने हाफ कर दिए हैं। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत हो आपको तो बोल सकते हो आप।